हाई एवरी वन, माई नेम इज़ सहरा, दिस इज़ माई नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है चेन रूल के ऊपर। चेन रूल मैं कैलकुलस वन में भी करवा चुकी हूँ और कैलकुलस थ्री में भी चेन रूल आएगी। चेन रूल बेसिकली हमें एक मैथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास जो फंक्शन है वो किस तरह का है। अभी मैं जो आपको करवा रही हूँ वो होगा फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे। चेन रूल ऐसे फंक्शंस का जिसके अंदर वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि x एंड y दो वेरिएबल्स हैं। इसी तरह फंक्शन आपके पास हो सकता है x, y, z थ्री वेरिएबल्स के साथ। इसी तरह फंक्शन हो सकता है x, y, z, let's suppose t फोर वेरिएबल्स के साथ। तो आपके पास अगर फंक्शन आ जाए मल्टी वेरिएबल्स के साथ तो वो कैलकुलस थ्री के अंदर हम बात करते हैं। कैलकुलस वन में हमने जितने भी फंक्शंस किए थे उसमें सिर्फ एक वेरिएबल, एक फंक्शन एक वेरिएबल के साथ था, जैसे कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना कि मेरी अगर आप चैनल पर जाएंगे तो कैलकुलस वन की भी आउटलाइन कंप्लीट है, वहाँ पर भी चेन रूल है। तो आपने ये नहीं करना कि कैलकुलस थ्री के अंदर वो वाला चेन रूल कर लें। वो चेन रूल कैलकुलस थ्री में नहीं आएगा। वो चेन रूल कैलकुलस वन के लिए है, उसमें फंक्शन एक वेरिएबल वाला है। यहाँ पर हम कैलकुलस थ्री के अंदर करेंगे फंक्शन विद मल्टी वेरिएबल्स जिसमें वेरिएबल मोर देन वन हो, जैसे यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है। तो मोर देन जब वन वेरिएबल होता है तो हम उसको कहते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अब आपके पास सबसे पहला केस क्या होगा चेन रूल के लिए, जो कैलकुलस वन था। मैं इसलिए कैलकुलस वन साथ साथ कर रही हूँ कंपेयर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कैलकुलस वन में एक सिंपल चेन रूल था जो सब क्वेश्चन के ऊपर लग रहा था। कैलकुलस थ्री के अंदर चेन रूल की केसेस बनेंगे। मैं आपको हर केस पे एक वीडियो बनाऊंगी और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी ताकि आपको वो केस समझ में आ जाए। तो चेन रूल हम सबसे पहले लगाएंगे केस वन पे। तो यहाँ पे हमारे पास केस वन क्या है, मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। केस वन हमारे पास क्या होगा, केस वन हमारे पास होगा अगर आपके पास जी लेस सपोज कोई फंक्शन है और फंक्शन एफ एक्स वाई यानी मोर देन वन वेरिएबल मल्टी वेरिएबल एक फंक्शन जी है। इसके अंदर आगे जो एक्स और जो वाई है वो आगे फर्दर डिफाइंड है। एक्स भी फंक्शन है लेट्स सपोज टी का, और जो वाई है वो भी फंक्शन है लेट्स सपोज टी वेरिएबल का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक फंक्शन जी है, z के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो फर्दर आगे सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर डिफाइंड है, यानी x भी t के अंदर डिफाइंड है, y भी t के अंदर डिफाइंड है। ये डिफरेंट वेरिएबल में डिफाइंड नहीं है, ये सेम वेरिएबल में डिफाइंड है। तो ऐसे फंक्शन का अगर आपको कह दिया जाए के डी जी ओवर डी टी, इट मीन्स कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो आप कैसे करेंगे? आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल। और चेन रूल कैसे लगाएंगे मैं अभी आपको बता दूंगी किस तरह चेन रूल लगेगा, एग्जांपल भी करवा दूंगी। लेकिन पहले आप इस कंसेप्ट को समझें कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो मल्टी वेरिएबल, उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ टू लिए हैं, अगर थ्री होंगे तो आगे थ्री के थ्री सेम वेरिएबल में डिफाइंड हो, तो फिर आप ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ऐसे फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करना है, डी जी ओवर डी टी इक्वल होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई ओवर डी टी। देखने से ही हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, उस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, आपने उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हर एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दो वेरिएबल थे तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई।
फिर आपने क्या करना है, अगर x के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो x का आगे t के अंदर डिफाइंड है, x का t के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आपने y के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसका मतलब ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो भी रिजल्ट होगा उसको आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे टू वेरिएबल्स थे तो मैंने टू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग किया है। अगर यहाँ पे z भी होता तो आप आगे प्लस लगा के पार्शियल डेरिवेटिव z के अकॉर्डिंग लेते और z का आगे t के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेते। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें कि हमें क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको क्लियर दोबारा करवा दूँगी। मैं अपनी तरफ से आपको जितना क्लियर करवा सकती हूँ मैं करवा रही हूँ। ये था मेथड, ये था फॉर्मूला किस तरह आपने केस वन को सॉल्व करना है। इसी मेथड पे हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और आपको फर्दर ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरह करना है। ये मैं केस वन करवा रही हूँ। बहुत से बच्चों के जहनों में ये सवाल आएगा कि अगर यहाँ पे x और y t के अंदर सेम में डिफाइंड ना हो, डिफरेंट में डिफाइंड हो, तो फिर कैसे करना है। तो वो केस टू होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। केस वन में हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये इसका मेथड था, ये मैंने आपको इंट्रो दे दिया। अब हम करते हैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ताकि आपको केस वन समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है कंप्यूट dz ओवर dt फॉर z इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स वाई और फर्दर x इज इक्वल टू है टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू है टी इनवर्स वन और नेगेटिव वन। आप कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है क्या ये केस वन ही बन रहा है, क्योंकि मैंने आज आपको करवाया ही केस वन है, तो ये केस वन का ही क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी आपने जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, आप सबसे पहले देखेंगे कि आपने डी जी ओवर डी टी डेरिवेटिव फाइंड करना है। जी क्या है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, इसमें एक्स भी है वाई भी है। इसका मतलब ये कैलकुलस थ्री का चेन रूल वाला क्वेश्चन है। अब चेन रूल किसके मुताबिक लगाएंगे, केस वन केस टू केस थ्री, तो आप देखेंगे क्या इसका जो वेरिएबल है एक्स और वाई वो आगे सेम वेरिएबल में डिफाइंड है। तो ये भी टी में डिफाइंड है, ये भी टी में डिफाइंड है, तो सेम में डिफाइंड है। इसका मतलब ये केस वन बन रहा है। केस वन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आपको ये माइंड में बिठाना होगा कि किस तरह आपने केस वन को सॉल्व करना है। अगर केस वन इस तरह सॉल्व होगा तो आपने यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन के ऊपर लगाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला में क्या चाहिए, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। इसका मतलब जी जिस भी फंक्शन में डिफाइंड है, इस फंक्शन का आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर आप इस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे टी के अकॉर्डिंग, इस वाई का डेरिवेटिव लेंगे टी के अकॉर्डिंग। तो आपके पास ये चारों टर्म्स आ जाएंगी। जब आपके पास ये चारों टर्म्स आ जाएंगे, आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहले वन बाय वन सब टर्म्स निकालते हैं। तो पार्शियल हमने निकाला है पार्शियल जी का पार्शियल एक्स। तो हम कैसे निकालेंगे पार्शियल पार्शियल एक्स, जी की वैल्यू क्या है एक्स ई एक्स रेज टू पावर वाई। एक्स के अगर अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था पार्शियल डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो हम जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो जो दूसरा वेरिएबल उस क्वेश्चन के अंदर जो भी आप ले रहे हैं उसमें होगा, वो एज ए कांस्टेंट यूज़ होगा। तो वाई यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आपने ट्रीट करना है, वेरिएबल के तौर पे ट्रीट नहीं करना। एक्स को हम यूज़ करेंगे एज ए वेरिएबल, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव लेने का मेथड होता है। तो हम इसका लेंगे एक्स। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन बन रहे हैं, एक एक्स और एक ई रेज टू पावर एक्स वाई। एक्स यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एज इट इज़ ले लें और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं. एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी हम लेते हैं डेरिवेटिव तो पहले तो पूरा का पूरा फंक्शन हम लिखते होते हैं, अगेन डेरिवेटिव लेते होते हैं जस्ट उसकी पावर का, एक्स वाई का. वाई हमारे पास है ही कॉन्स्टेंट, तो हम कॉन्स्टेंट मल्टीपल जो होता है बाहर लिख लेते हैं. एक्स का एक्स के अकॉर्डिंग जब लेंगे तो वो आ जाएगा वन. यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स वाई और एक्स का एक्स के अकॉर्डिंग वन. तो इसको आगे हम लिखते हैं, एक्स इंटू वाई एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई. इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वन ई एक्स वाई कॉमन लेके. तो ये हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स. अभी हमने सिर्फ एक चीज़ निकाली है, इसको मैं नाम दे देती हूँ वन का. अब हम सेकेंड चीज़ निकालेंगे, वो हमारे पास क्या थी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई, यानी इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव. तब हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव पार्शियल वाई जी में लिखेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे एक्स ई रेज टू पावर एक्स वाई. अब हम वाई के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा. तो यहाँ पे अगर हम वाई के अकॉर्डिंग फंक्शन देखेंगे तो एक्स तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट मल्टीपल बाहर आ गया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स एज इट इज ई एक्स वाई. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स एज इट इज ई एक्स वाई का ई एक्स वाई, एक्स तो मल्टीपल कॉन्स्टेंट है बाहर दोबारा से आ जाएगा, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा वन. तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई. ये हमारे पास आ गया पार्शियल फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. अब हमें क्या चाहिए था, डी एक्स ओवर डी टी. एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर. तो हम ले लेते हैं डी एक्स ओवर डी टी, डी ओवर डी टी. अब मैंने पार्शियल नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने एक्स का टी के अकॉर्डिंग लेना है और एक्स के अंदर सिर्फ टी ही वेरिएबल था, तो इसका टोटल डेरिवेटिव आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आएगा. पार्शियल डेरिवेटिव हम वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल में डिफाइंड हो. यहाँ पे फंक्शन जो एक्स है वो सिर्फ टी में डिफाइंड है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव ले रहे हैं टी स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पावर रूल. पावर क्या कहती है, पावर रूल हमें क्या कहता है, टू पहले पावर में से एक माइनस अगेन विदाउट पावर डेरिवेटिव. तो टू टी हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी का आंसर. अब हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी टी. तो हम निकालते हैं डी वाई ओवर डी टी. अब y की वैल्यू क्या थी, t इनवर्स. ये मैं यहाँ से बता रही हूँ, डी वाई और डी टी हमें चाहिए. y की वैल्यू क्या है, y किसके इक्वल है, t इनवर्स 1 के. तो पावर पहले पावर में से माइनस 1 अगेन विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव लेंगे. तो जब t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस t रेस्ट पर माइनस टू. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ओवर टी स्क्वायर. दोनों तरीके हैं, चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, दोनों से ही आंसर सही आएगा आपका. तो ये हमारी, हमें जो फोर चीज़ें चाहिए थी हमें मिल गई. अब हमने जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई डी वाई ओवर डी टी. तो यहाँ पे मैं इसमें फॉर्मूला में पुट करने लगी हूँ इसको. जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी जी ओवर डी टी इक्वल है पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स की जगह हम लगाएंगे ई एक्स वाई, एक्स वाई प्लस वन इसकी वैल्यू इंटू डी एक्स ओवर डी टी की जगह हम यहाँ से इसकी वैल्यू टू टी लगा देंगे.
प्लस पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई हमें चाहिए था इंटू डी वाई और डी टी। तो पार्शियल जी और पार्शियल वाई हमारे पास क्या आ गया, एक्स केयर ई एक्स वाई, तो वो हम इधर लिखेंगे एक्स केयर ई एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई और डी टी का जो भी आंसर है माइनस टी माइनस टू। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे आके आप एक चीज़ और नोट कर लें कि क्या आप यहाँ पे एक्स वाई की जगह टी के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि नहीं। अगर तो आप कर सकते हैं तो आप कर दें, करने के बाद आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है एक्स वाई के अंदर टी को सब्स्टिट्यूट करना, तो आप रहने दें, वह भी आंसर आपका ठीक होगा। इस क्वेश्चन में इजीली हो जाएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर करने लगी हूँ। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करवा के लिखती हूँ, ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई, और साथ में ये टू टी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे माइनस एक्स केयर टी माइनस टू ई एक्स वाई, यहाँ तक मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं प्लस माइनस माइनस लगा दूंगी बीच में। अब मैं सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ एक्स वाई की वैल्यू। एक्स वाई की वैल्यू कैसे, एक्स हमें पता है हमारे पास क्वेश्चन पेपर में, एक्स किसके इक्वल है टी स्क्वायर, वाई किसके इक्वल है टी माइनस वन। अगर मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो टी स्क्वायर इंटू टी इनवर्स, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस टी सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर बन के हो जाएगी टी वन, जिसको हम टी लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं जहाँ जहाँ एक्स वाई वहाँ वहाँ टी लिख सकती हूँ, टी को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। ये तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन का। अगर आपके लिए क्वेश्चन पेपर में सब्स्टिट्यूशन आसान है तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं हो रही, नहीं हो पा रही, पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप छोड़ दें, यहाँ तक आंसर भी ठीक होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स वाई की जगह हम टी लगा सकते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ वहाँ आप टी लगा दें। इसके अलावा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अगर हम नोट करें तो एक्स स्क्वायर की हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बन रही है, एक तो एक्स वाई की बन रही है, एक्स वाई यहाँ पर क्या है एक्स वाई, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू टी रेज टू पावर ऑफ फोर। तो आप एक्स स्क्वायर की जगह टी फोर लिखेंगे, और जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ पे टी लिखेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया, अगर आपको ना आया तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, आपको बता दूँगी। तो हम यहाँ पे इधर सब्स्टिट्यूशन में करने लगी हूँ डायरेक्ट। जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डी जी ओवर डी टी इक्वल आ जाएगा ई एक्स वाई, ई एक्स वाई की जगह मैं लगा रही हूँ टी, एक्स वाई की जगह मैं फिर से लगा रही हूँ टी ई एक्स वाई, तो फिर से ई टी इंटू टू टी माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर की जगह टी फोर टी माइनस टू ई टी। यहाँ पे बेस सेम होगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसको मैं कुछ इस तरह लिख रही हूँ, टू टी को अंदर मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे आ जाएगा टी टू ई टी। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। यहाँ पे आप आके फॉर करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी ई टी है, यहाँ पे भी ई टी है, यहाँ पे भी ई टी है, यहाँ पे टू टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर, ये बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो रही है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, बस ये टू है और ये वन है, तो टू में से वन निकाल देंगे तो रह जाएगा जस्ट वन। तो ये आपका आंसर, ये भी ठीक है। इस तरह लिख लें, इस तरह नहीं लिखना, टी स्क्वायर प्लस टू टी, ई टी कॉमन निकाल लें, इस तरह लिख लें, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, दोनों ही तरीके ठीक हैं, दोनों ही तरीकों से आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये था आज मेरा लेक्चर चेन रूल के ऊपर। इससे रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल आपको करवा दूंगी ताकि आप वो भी देख लें। तो पहले आप इस लेक्चर को देखें ताकि आपको समझ आए कि चेन रूल मैंने लगाया कैसे है। मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करने लगी हूँ। चेन रूल में कैलकुलस थ्री में
डिफरेंट केसेस बनेंगे। केस वन बहुत ही सिंपल केस था, जैसे कि कैलकुलस वन में चेन रूल होता है ऑलमोस्ट वैसा था। इसमें क्या था कि अगर आपके पास मल्टी फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, तो आपने देखना है जो वेरिएबल्स हैं किस में डिफाइंड है। अगर तो वो सेम वेरिएबल में आगे डिफाइंड है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा देंगे। हमने ये इस तरह ही किया। हमारे पास एग्जांपल थी, हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन था, जो वेरिएबल्स थे वो आगे फर्दर सेम में डिफाइंड थे। हमने क्या किया, हमने फोर चीज़ें पहले निकालने के बाद हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट किए। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। सब्स्टिट्यूशन एंड पे आके लगानी होती है। अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है आप लगाते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है तो आप उसको वहीं पे छोड़ दें, वो आंसर भी आपका सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको इसकी समझ आई हो तो आप मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में, अगर आपको नहीं समझ आई तब भी आप मुझे बताएं, और दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि जो पर्पस है इन लेक्चर्स का वो पूरा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।